नमस्कार दोस्तों, जी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है करंट अफेयर, ठीक है। 1 से 15 मार्च तक मैंने आपको करंट अफेयर दे दी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आज भी हम 50 MCQ लाए जो कि 16 मार्च और 31 मार्च तक कवर करेगी। तो देखते हैं फ्रेंड कैसी है वीडियो। अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, अगर फिर भी अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो आप हमें कॉमेंट में दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 70 वर्ष से अधिक और अलग अलग ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो वो किया है SBI ने, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अगला देख लेते हैं, किस शहर ने वर्जन 2019 क्वालिटी और लिविक इंडेक्स में टॉप किया? तो वो हमेशा जो करती है वो करती है वियना, ठीक है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, किस भारतीय उद्यमी को एशिया क्षेत्र के लिए 2019 राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया पद्मानंदन गोपाला, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग जिन्हें 2019 नोबेल पीस या शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया वह किस देश के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं? तो वो हैं स्वीडन की। अगला देख लेते हैं, नवाचार और उद्यमिता महोत्सव या फिने 2019 निम्न में से किस शहर में होगा? तो होगा फ्रेंड्स गांधीनगर, यानी कि गुजरात में। अगला देख लेते हैं, अफ्रीका संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास या FIndex 2019 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला देख लेते हैं, BCCI में क्रिकेट प्रशासन के विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ तो मॉडरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया है PS नरसिम्हा को। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्रिकेट टीम ने 2019 सैयद मुश्किल अली ट्रॉफी जीती है? तो वो जीती है कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौ, किसी IIT ने भारत के पहले अत्याधुनिक 1.3 पेंटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा के निर्माण के लिए CDEC के साथ एक समझौता किया है? तो वो किया है IIT खड़गपुर ने। अगला देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन, कौन सा देश 2020 में Under-17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो वो कर रहा है भारत, याद रखिएगा 2020 में। अगला देख लेते हैं, पश्चिम नील बुखार अभी समाचार में आपको देखा जा रहा था, तो ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है फ्रेंड मच्छरों के द्वारा। बात करें, भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में किसे नामित किया है? तो वो किया है फ्रेंड PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया है। अगला देख लेते हैं, CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है फ्रेंड नई दिल्ली में। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में वोटर्स या ऊदबिलाव की जो सेंसस चालू की है जनगणना? तो वो किया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जहाज इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है? तो इंडोनेशिया की जो सबसे पहले करी है वो करी है फ्रेंड INS विजेस ने। अगला देख लेते हैं, 16वां, नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल या NTF 19 का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो किया गया फ्रेंड नई दिल्ली में। 17वां देख लेते हैं, प्रमोद सावंत जिन्होंने नए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, याद देखिएगा आप गोवा के जो CM हैं वो हैं प्रमोद सावंत। तो जो गोवा, किस गोवा विधानसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो करते हैं फ्रेंड शांकेल से। जो प्रमोद सावंत जहाँ से चुनाव जीते हैं वो शांकेल है इनकी कंस्टिट्यूएंसी। 18 का देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, पुस्तक द ग्रेट डिसअपॉइंटेड द नरेंद्र मोदी स्कैंडल इन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इकोनॉमी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है फ्रेंड जयति घोष ने, सॉरी सलमान अनिस जेज ने एक पुस्तक लिखी है। अगला देख लेते हैं, अगला बात करें तो निम्न में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग या ISL का खिताब जीता है? तो वो जीता है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, यानी कि बेंगलुरु FC ने जीता है, याद रखेगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अभी अभ्यास हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास सैरिया का ATS 2019 यह किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा फ्रेंड कजाकिस्तान में। अगला देख लेते हैं, किस राज्य के चुनाव विभाग ने डिजिटल चुनाव साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक iHelp शुरू की है? तो वो किया फ्रेंड असम सरकार ने। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भारत में पहले ट्रांजिशन चुनाव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया चुनाव राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में? तो वो है फ्रेंड गौरी सावंत जी को।
23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पिलर पुस्तक आजादी कभी एग्जाम में तो किसकी है, तो फ्रेंड्स से जाने माने रघुराम आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन की है। अगला देख लेते हैं, जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, और इसकी जो थीम थी इस बार क्या थी, तो वो थी लीविंग नो वन बिहाइंड। अगला देख लेते हैं 25वां, भारत ने 27 मार्च 2019 को किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया, तो वो किया फ्रेंड्स मिशन शक्ति का जो परीक्षण किया था। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मिशन शक्ति के बारे में जो रिलेटेड है उससे बात करते हैं, तो यह भारत और श्रीलंका की सेना के बीच हुआ या श्रीलंका के बादुला में आयोजित हुआ, तो कौन से सही है इसके, तो इसके जो सही आंसर है वो एक और दो दोनों सही हैं। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जगह 26 मार्च 2019 को परंपरागत फॉक फेस्टिवल आयोजित किया, तो फॉक फेस्टिवल पर नामपुर में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला देख लेते हैं 28, अजाली असौईमानी जो अभी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं वह किस देश के हैं, तो वो हैं फ्रेंड कोमोरस के नए जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित हुए हैं अजाली असौईमानी। अगला देख लेते हैं, किस देश ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ कंग तोमिलिस विप शास एंड ग्रैंड स्टार से सम्मानित किया गया है, तो कौन कर सकता है फ्रेंड, ये कर सकता है क्रोएशिया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रस्टीज जो इंडेक्स है 2019, तो इसके संबंध में विचार करना है आपको, तो चलिए इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो 76 थी, स्वीडन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, और यह सूचकांक WEF या विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3 डी ऑप्शन, यानी कि तीनों ही सही है। अगला देख लेते हैं, तो अगला है फ्रेंड 64वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी फ्रेंड जो फिल्म फेयर अवार्ड पे, तो इसका जो सही आंसर है वो है अंधाधुन को मिला है। 32वां देख लेते हैं, अभी हाल ही में विमोचित एवरी वॉट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, चलिए इसका जो सही आंसर है वो है नवीन चावला ने पुस्तक लिखी है। अगला देख लेते हैं, IIT मद्रास ने देश का पहला सौर चालित विलवीकरण संयंत्र अभी जो स्थापित किया है वो कहाँ किया है, तो वो किया है फ्रेंड तमिलनाडु कन्याकुमारी में। अगला देख लेते हैं, भारत में लोकपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, लोकपाल पूछ लेगा आपको, पूछ सकता है लोकपाल क्या होता है, तो लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिसमें न्यूनतम 50% न्यायिक सदस्य यानी कि जुडिशियल मेंबर 50% हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं, जो प्रधानमंत्री की जांच के दायरे पूछे हैं तो वो लोकपाल के दायरे में आते हैं प्रधानमंत्री की जांच, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लोकपाल एवं उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र होने तक जो भी पहले हो होगा, तो फ्रेंड इसके जो आंसर हैं वो तीनों ही सही हैं, याद रखिएगा 70 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे हटाया जाएगा और 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे नौसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी, तो ये फ्रेंड्स किया गया बी करमवीर सिंह को नौसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला देख लेते हैं, किस देश की महिलाओं ने कार्यस्थल पर ऊंची एड़ियों वाले जूते के खिलाफ कुट्टू या कुटू आंदोलन जो चलाया गया था, तो ये फ्रेंड कहाँ चलाया गया था, ये चलाया गया था जापान में। अगला देख लें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बात करें तो क्या सही है इसमें से, भारत 140 स्थान पर रहा और विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग गिरावट दर्ज की गई है, फिनलैंड को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, और तीसरा यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा रिलीज की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं, इसका सही आंसर है डी, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। अगला देख लेते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो इसका जो सही आंसर है बी नूर सुल्तान कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं 39वां, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है 20 मार्च को, प्रत्येक साल के 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं 40वां, जो ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स अभी जो हुए थे विशेष जो 2019 में जिसमें भारत ने 368 पदक जीते, तो ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड ये आयोजित नैरोबी में हुआ था, सॉरी अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं,
41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में यानी मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने हेतु ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता या गौरी सावंत को चुनाव राजदूत नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड महाराष्ट्र ने। अगला देख लेते हैं, पहले इसमें ये चार तीन आपको ऐप दे रखे हैं और इसमें चुनना कौन सा चुनाव आयोग से रिलेटेड है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपको समाधान सुविधा सिविल दे रहते हैं और ये सारे इलेक्शन कमीशन के ऐप्स हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, उपभोक्ता अधिकार यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2019 मनाया गया, ये कब मनाया गया फ्रेंड? ये मनाया गया 15 मार्च को, याद रखिएगा, आ जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो फ्रेंड वो की है 6। अगला देख लेते हैं, गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड वो किया गया करेन ओलेन बेक को, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, 46वां, निम्न में से कहाँ निर्मित आइस स्तूप पर डाक टिकट जारी किया गया, तो किस पे किया गया, वो किया गया फ्रेंड लद्दाख रीजन पर। अगला देख लेते हैं, मनोहर पर्रिकर जो अभी इनका हाल ही में डेथ हुई थी या देहांत हो गया था, तो उनके बारे में सच बताना है, तो वह 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री थे, वह देश के प्रथम IITian मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कभी भी 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो इनमें से क्या सत्य हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 1, 2, 3। अगला देख लेते हैं, 48वां, किस राज्य में सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है, तो आपने आंसर शायद देख लिया होगा, इसका जो सही आंसर है कर्नाटक। अगला देख लेते हैं, 49वां, जो 17वीं लोकसभा चुनाव के साथ किन राज्यों में विधान चुनाव की जो घोषणा की गई है वो किन में होंगे, तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है वो 2, 3, 4, 5 यानी कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनमें विधान परिषद के जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें हेल्ड होंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, मोहम्मद जो शताई है किस देश के प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं फिलिस्तीन के। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको करंट अफेयर अच्छी लगी होगी, ऐसे ही हम कवर कराते रहेंगे। और फ्रेंड अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो भी डिसलाइक, और फ्रेंड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट दें, ठीक है। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, थैंक यू वेरी मच।